नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश मिशन जीएसटी में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है। इसके बाद देश में कारोबार करने के तौर तरीके पूरे तरीके से बदल जाएंगे। पूरा कंट्री एक कॉमन मार्केट हो जाएगा और गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में फ्रीली मूव करेंगे। जीएसटी में आज हम स्पेसिफिकली दिल्ली में मौजूद हैं और जीएसटी चौपाल के दिल्ली राउंड में हम स्मॉल बिजनेसेस की तैयारियों को चेक करेंगे और उनकी जो चुनौतियां हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शहर के कई एसएमईज भी मौजूद हैं। आप सभी का शुक्रिया समय निकालने के लिए और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम अपने स्टीम स्पीकर से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आई एम हैप्पी टू वेलकम शशांक प्रिय साहब, जीएसटी कमिश्नर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। जीएसटीएन जो कि इसकी आईटी बैकबोन रहने वाली है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्नल पंकज दीक्षित, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू सर। डॉक्टर एचपी कुमार जो कि एसएमई क्षेत्र के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, एनएसआईसी को हेड किया उन्होंने और इस क्षेत्र की बारीकियों को समझते हैं। थैंक यू सर। एंड प्रीति खुराना जी हैं जो कि क्लियर टैक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। गुड इवनिंग मैम, आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम शुरुआत में अपने खास मेहमानों से ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद आप सभी लोग मौजूद हैं हम आपका रुख करेंगे, हम चाहेंगे आप अपने प्रश्न पूछें। सर शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। कमिश्नर साहब, किस तरह से मूड आपको नज़र आ रहा है? आप 1 जुलाई की जब डेडलाइन है उसको जब देखते हैं, ये पूरी तैयारियों को आप किस तरह से बताएंगे, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स में से एक है, आप अंडरटोन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस समय? जैसा आपने बोला, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है और इसके लिए जो तैयारी भी है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर की जा रही है, और हम लोगों ने जहाँ तक अपनी तरफ से सरकारी तौर से लॉ अभी पूरा पास हो गया है, स्टेट्स भी अब पास करने लगे हैं, 3 स्टेट्स ऑलरेडी पास कर चुके हैं, रूल्स काफ़ी सारे बन गए हैं और उनको हम लोगों ने वेबसाइट पे डाल दिया है ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कमेंट्स मिल सकें। साथ साथ ट्रेनिंग ऑफिसर्स की एक बार पूरी हो चुकी है, 60,000 से ज़्यादा सेंटर और स्टेट के ऑफिसर्स, और फिर से रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगी क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं, और उसके अलावा आईटी फ्रेमवर्क में जो तैयारी है जीएसटीएन की फ्रंट एंड की वो पूरी चल रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशंस बैक एंड अपना बनाएंगे वो भी उसकी पूरी तैयारी चल रही है। कर्नल साहब, आप ओपनिंग कमेंट में बताएं, ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा जीएसटी, और टेक्नोलॉजी को लेकर खासकर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी काफ़ी हेजिटेशन रही है। इनफैक्ट स्टडीज़ ये भी दिखाती है कि कई सारे स्मॉल बिजनेसेस कंप्यूटराइज भी नहीं है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, पहली बात तो जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटीएन बना रहा है पिछले कुछ कई महीनों से, वो उसकी तैयारियां बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है और इसमें हमने स्टेट्स टैक्स अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि वो चुने हुए कुछ टैक्स व्यापारियों को इस टेस्टिंग में हमें सहूलियत करवाएं जिससे कि वो सिस्टम्स को लाइव टेस्ट कर सकें। डॉक्टर कुमार, आप बताइए, जहाँ तक बड़े कॉर्पोरेट्स की बात है, बड़ी कंपनीज की, उन्होंने तो काफ़ी टैक्स कंसल्टेंट्स की सेवाएँ भी ले रहे हैं, लेकिन जहाँ तक स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है भारत सरकार का, एक एप्रिहेंशन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज और ट्रेडर्स में है, स्मॉल ट्रेडर्स पर्टिकुलरली, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हो कि उन्हें भी जीएसटी के जो मूल उद्देश्य हैं, जिससे टैक्स कंप्लायंस में प्रॉब्लम ना हो, उसके प्रोसीजर सिंपल हों, इस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सरल बना के और सभी छोटे व्यापारियों को, छोटे लघु उद्योगों को इसके बारे में पूरी अवेयरनेस क्रिएट करके और उन्हें समझाया जाए, सर्कुलर्स इशू किए जाएँ टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, ब्रोशर्स के माध्यम से, तो इससे इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा और सभी लोग उसको बहुत खुशी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, प्रीति आप बता सकें, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2006 के बजट में पहली बार इसकी जिस तरह से बात रखी गई थी, अब 2017 में ये फाइनली इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इसका रोल आउट स्मूथ हो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं पैनल से बिल्कुल एग्री करूंगी कि अब ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो समझें कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहने वाले हैं, इसके लिए हमें तैयारी किस तरह की चाहिए, तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। और अप फ्रंट मैं ये कहूँगी कि अब जैसे लॉन्च तो हमारे सामने है ही 1 जुलाई के आसपास, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम समझें कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या हमें एक जीएसटी रजिस्ट्रेंट बनना है या नहीं, ये तो पहला
पहला सवाल रहा, और दूसरा है कि हम ज़रूर समझें कि ट्रांजिशन प्रोविजंस जो हैं वो क्या कहते हैं। तो अगर आप पुरानी रेजीम से जो कि चली आ रही है वैट है या CST देते हैं या एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, तो आज की डेट में उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? आई थिंक ये दोनों बातें जो हैं सभी टैक्स पेयर्स को जो है इनके इम्प्लीकेशन समझने चाहिए। ओके, आप सभी का शुक्रिया ओपनिंग एड्रेस के लिए। हम फ्लोर ओपन करेंगे और चाहेंगे जो हमारे खास मेहमान हैं प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। के पीछे 10 साल से जो प्रयास चल रहा था GST लागू करने के लिए, कैपिटल का जो टैक्स जो है ये देंगे, और जो पहले रॉ मटेरियल पर टैक्स देंगे और फिर सेल टर्म पर भी टैक्स देंगे, तो रिफंड में जितनी दिक्कत आएगी उनका सारा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे सिंपल तरीके करें कि रिफंड भी इसको जल्दी से जल्दी मिले। सर आप बताना चाहेंगे, ये इनफैक्ट ये जो बात हो रही है, बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कहा जा रहा है, बड़ा कदम है, लेकिन ये जो 36 रिटर्न्स को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं उस पर आपके विचार प्लीज सर। एक चीज़ हमें जो बहुत ध्यान से अपने ध्यान में रखना होगा कि अब हमने पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम शुरू किया है, और ऑटोमेटेड सिस्टम इस तरह से किया गया है कि हम एक ऐसा प्रक्रिया बनाएं जिसके कारण पूरा जो सप्लायर है और बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो दोनों के जो सप्लाईज हैं वो मैच हो सकें। तो ये जो प्रक्रिया हमने सोची है, जो चूँकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि ये हो सकता है कैपेसिटी, सो इस प्रक्रिया के लिए हमने ये बनाया है। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये 3 रिटर्न हैं, बेसिक जो है वो जो 10 तारीख तक जब आप देंगे अपने सप्लाईज के जो डिटेल्स डालेंगे, प्रावधान ये है कि आपने जिसको बेचा है वो भी अपना 10 तारीख तक जब रिटर्न डालेंगे तो वो आपके रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, खुद स्वचालित वो आपके इसमें रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, तो आपको कोई बहुत बुक कीपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कर्नल साहब, ये भी बता सकें, इनफैक्ट कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जो आपको डेटा दिया जाएगा वो उसकी सिक्योरिटी को किस तरह से आप इंश्योर करेंगे? हम ये जानते हैं कि जो टैक्स पेयर का डेटा है वो बहुत ही सेंसिटिव है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारे जो आजकल IT में जिस भी तरह के आपकी अप्लायंसेस हैं सिक्योरिटी के, सब तरह के अप्लायंसेस हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए हुए हैं। वही नहीं, हम अपने सिस्टम को थर्ड पार्टी से रेगुलरली ऑडिट करवाएंगे, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाएंगे बाहर से ये देखने के लिए कि हमारा सिस्टम कहीं बाहर से एक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है। हमारे बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रहेंगे डेटा को सिक्योर रखने के लिए, कोई भी डेटा एक ही जगह पर पूरा का पूरा नहीं महुआ होएगा। कोई भी एक आदमी पूरा एक रिकॉर्ड किसी भी बिजनेस का एक टाइम पे नहीं देख पाएगा, उसको पार्टीशन करके, जैसे कहते हैं शार्ट करके, अलग अलग रखा जाएगा। जो हम 30 जून को हमारे पास स्टॉक होगा उस पर टैक्स दिया हुआ होगा जी, तो उस पर जो क्रेडिट लेंगे हम, तो उसका कह रहे हैं कि 1 जुलाई को आपको 40% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 करोड़ का स्टॉक मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है मेरे को, तो उसमें मैं 17.5% दे के आऊँगा तो मेरे को मिलेगा 7%, 10% का लॉस, तो मैं 50 लाख का लॉस कैसे बियर करूँगा? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा कंपनीज़ के पास, उसमें एक तो आपको मेक श्योर करना होगा कि पूरी डिटेलिंग आपके पास है, और दूसरा याद रखना होगा कि जो आप लास्ट रिटर्न जो फाइल करेंगे उसमें सारी डिटेल्स जो है ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक या कैपिटल गुड्स या जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी एग्जैक्ट होनी चाहिए उस रिटर्न के लिए। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लॉस हो जाएगा जिन लोगों ने ड्यूटी पेड रखा है। प्लस एक और चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास स्टॉक है जो आपको मान लीजिए किसी ने सप्लाई करा है और उस बंदे ने उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करी है, तो आपके पास वो एक्साइज ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए टू बी एबल टू क्लेम। आप ये बता सकें बाकी वो भी चाहिए आप बाकी जी स्मॉल बिजनेसेस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो लास्ट डे का स्टॉक है उसको लेकर कैसे वो प्लान करें, क्या मिनिमम स्टॉक रखें या कैसे आगे बढ़ें ये ट्रांजिशनल फेस में, क्या आपका मैसेज है? देखिए एक्चुअली जो स्टॉक कितना रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। एक तो है कि आपका गुड किस तरह का है, मतलब उस पे भी डिपेंड करता है आप कितने दिन तक रख सकते हैं, आपको आगे से सप्लाई कितनी आ रही है। दूसरी बात यह है कि रेट क्या होने वाले हैं, तो अब वो तो किसी को पता नहीं है, और जहाँ तक कि लग रहा है कि रेट्स हो सकता है बिल्कुल एंड मोमेंट पर ही मिले ताकि होल्डिंग ना हो पाए। ओके, ये रेट्स कब तक क्लियर हो पाएंगे? देखिए रेट्स की अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ऑफिसर्स में चर्चा हो रही है और अगली जो काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें भी इस पे चर्चा होगी, लेकिन रेट्स जैसा कि प्रैक्टिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी
स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कि रेट क्लोजर टू द डेट जब रोल आउट होगा तभी वो ओके तो रेट्स तभी आएंगे तो इसलिए जब आप अपना क्लोजिंग स्टॉक जो होगा आपको 30 जून का आपको उसको प्रॉपरली काउंट करके रखना होगा, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि एक ऑफिसर आके नॉट ओनली स्टॉक काउंट कर सके, वो रिकॉर्ड्स में उसको पूरा वैलिडेट कर सके। और अगर वो ड्यूटी पेड है तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि इस पे इतनी जो है वो ड्यूटी ऑलरेडी पेड। आपका जो सिस्टम आ रहा है वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट जो 1000 रुपये हमारे से लेता था 5000 रुपये लेने की डिमांड कर रहा है, और आपकी डेट भी 10 तारीख जो है, पार्ट टाइम अकाउंट कितने आदमियों को 10 तारीख तक सारा काम कर लेगा? देखिए पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में करीबन 54 लाख एनरोलमेंट हो चुके हैं, 54 लाख ट्रेडर्स के ऑल ओवर इंडिया हमने प्रोविजनल आईडी दे चुके हैं। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है या कोई मुश्किलात आ रहे हैं तो आप हमारा हेल्प डेस्क नंबर है उस पर जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उस पर रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, ये आप ऑफलाइन भी माध्यम से भी लोगों की हेल्प करेंगे, वो अपने इनवॉइसेस अपलोड कर सकेंगे? जैसे मैंने पहले भी बताया था ऑफलाइन यूटिलिटी का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने आप अपने कंप्यूटर पर उसको स्टोर कर सकते हैं। उस ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से आप सारा अपना सेल्स परचेज डेटा उस यूटिलिटी में डालिए और उसके माध्यम से उसको जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। ओके, आपको समरी पूरी बखूबी नजर आ जाएगी। डॉक्टर कुमार, आप बता सकें आप ये जीएसटी को अगर आप एक लार्जर पिक्चर सबके समक्ष रख सकें, ये जो जीएसटी हमने 160 कंट्रीज में देखा है और फाइनली जो हमारे यहाँ पर आ रहा है जिसमें 5, 12, 18, 28% है, ये क्या मतलब किस तरह से आप इस जीएसटी को देख रहे हैं? बाकी कंट्रीज में ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी का स्ट्रक्चर नहीं देखा मैंने, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि स्टेट्स और सेंट्रल कई तरह के टैक्सेस मिला के उनको शेयरिंग करनी है। तो एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम एप्रीहेंशंस अभी सामने देख रहे हैं जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है, ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी लाने के बारे में कोई शंका नहीं है, जीएसटी से सभी खुश हैं, पर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में इन शंकाओं को देखते हुए मेरा ये सुझाव है कि अगर 6 महीने तक या 1 साल तक ये वाईफाई की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अपलोडिंग की डिफ़िकल्टीज हैं, नॉलेज की कमी है, इस सब को देखते हुए अगर 6 महीने 1 साल तक कम से कम पेनल्टीज तो ना लगाई जाएं। और ये जो क्रिमिनल एक्शन लेने वाली बात है कि जेल कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल ही जीएसटी में आना ही नहीं चाहिए। कि मतलब आपके हिसाब से इतना बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, इतना बड़ा बदलाव, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं और कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो शुरुआती दौर में जो हार्श प्रोविजंस हैं उन पर थोड़े रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, प्लीज़ बताइए। मैं ये कह रही थी सौरभ, जैसे आप बता रहे थे कि इनवॉइस अपलोड करने की बात, तो थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर देते हैं कि एक्चुअली में कोई सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ अपलोड नहीं करना है, मतलब इन्फॉर्मेशन डालना है कि ये हमारा इनवॉइस है, उसका ये फॉर्मेट है, मतलब 16 फील्ड्स हैं जो होने चाहिए एक इनवॉइस में या बिल ऑफ सप्लाई में, तो वो इंश्योर करना है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो जीएसटीएन पे अवेलेबल हो। हम देश के अलग अलग शहरों और क्लस्टर्स का रुख करेंगे और ज़मीनी हकीकत को चेक करेंगे, और जिस तरह से जीएसटी इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसमें हम स्मॉल बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एसएमईज भी हैं शहर के, आइए उनके कुछ और प्रश्नों को शामिल करते हैं। सर, जीएसटी का पूरे इंडिया ने स्वागत किया और एवरीबडी इज़ हैप्पी, सभी चाहते हैं कि जीएसटी आए और एवरीबडी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब जैसे पता लगा है 40% मिलेगा सर, दिस इज़ द रियली ड्रॉबैक कि 40% क्यों मिलेगा, जो कि हमारा वी ऑलरेडी पेड, और एक्साइज से आपको पता ही है एक्साइज से डील करना इट्स नॉट द ईजी डील, और अब जीएसटी में आ रहे हैं, हम कन्वर्ट हो रहे हैं जीएसटी के अंदर, तो हम लोग के लिए सॉफ्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए कि सब लोग उसको वेलकम करें। आशंकाएं सुन रहा हूं कि आपको ट्रांजिशन में क्रेडिट नहीं मिलेगा, हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो, और अगर आपके पास एक्साइज पेड गुड्स हैं और आपके रिटर्न में वो दिख रहे हैं कि वो इतने क्रेडिट हैं तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो एक हो गया। दूसरा, जो गुड्स इनपुट्स आपके पास पड़े हुए हैं मान लीजिए फॉर सम रीज़न, और उसके कुछ प्रोसेस हैं इन स्टॉक हैं, वो हम स्टॉक वेरीफाई करके उसमें जितने टैक्स पे किए गए हैं उसका आपको क्रेडिट दिया जाएगा, अगर आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट सेंट्रल एक्साइज का है या वैट का है, और उस गुड्स को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उस गुड का अलाउड है जीएसटी में। जितनी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो तो जीएसटी से बाहर ही हैं, क्योंकि 20 लाख एग्जम्पशन या 50 लाख कंपाउंडिंग, क्योंकि अब क्या है जो रिवर्स चार्जेज के जो प्रोविजंस जो लगाए गए हैं उससे उन माइक्रो से तो कोई माल लेगा ही नहीं। ये जो प्रावधान है कि अगर
जो गुड्स अगर टैक्सेबल हैं और वो छोटे जो इंडस्ट्री से सप्लाई किए जा रहे हैं, तो उनको तो टैक्स नहीं भरना है, उनको कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करना है। बट हम लोगों की विचारधारा ऐसी थी कि ऐसा ना हो कि ये जो टैक्सेबल सप्लाईज़ हैं, ये जो रजिस्टर्ड अगर बायर को बेचा जा रहा है तो वो वहाँ से ख़रीदें छोटे वालों से और फिर उसको आउट एंड आउट सेल कर दें। सो इवेजन को रोकने के लिए, जैसा कि मैडम ने भी बोला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत अच्छा मेकानिज़म है, तो इसको भी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट से केवल इंटीग्रेट कर दिया है। हमने क्या बोला है, छोटे व्यापारी जब अगर जो रजिस्टर्ड को बेचेंगे, अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, रजिस्टर्ड को बेचेंगे तो रजिस्टर्ड वाला टैक्स देगा। वी आर सप्लाइंग दिस पावर केबल्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू DGSND एंड नाउ इट इज वी आर राइटिंग दैट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट गुड्स एंड दे डोंट हैव एनी रजिस्ट्रेशन फॉर 10 नंबर और ECC नंबर, एक्साइज नंबर। सो व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर फॉर अस, बिकॉज इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड आवर रिटर्न विल नॉट मैच विद देम। अगर DGSND को आपके थ्रू आप बेच रहे हैं तो वो DGSND ही उस को माल को आपको खरीद बिक्री कर रहा है DGSND के, तो इसलिए उसमें फिर आपको माल का कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर DGSND एज ए इंटरमीडियरी कर रहा है और किसी रजिस्टर्ड बायर को दे रहा है, तब तो आपका डॉक्यूमेंट और आप उनको GST नंबर बायर का आप कोट कर देंगे। अगर वो B2C को जा रहा है तो कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। राइट सर, सो मेरे समझ से इसमें कोई बहुत परेशानी होनी नहीं चाहिए। सर डॉक्टर कुमार, एक हम आपसे पहलू समझना चाहेंगे, जैसे GST आ रहा है इसमें अगर हम देखें जो इम्पोर्टेड गुड्स होंगे उन पर भी बताया जा रहा है IGST होगा, तो अगर उन पर IGST होगा तो फिर ये कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया पूरी मुहिम है उसको भी बल देगा, क्योंकि इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी। हाँ, ये एक समस्या अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि IGST देने के बाद अगर वो इंडियन मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करेगा तब तो उसको ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट मिलेगा, और अदरवाइज़ उसको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उससे ये है कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लोगों का ज़्यादा तवज्जो होगा इसके बनिस्बत कि वो उसको यहाँ पर बनाएँ। हाँ, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको वो पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक तो ये समस्या है, दूसरी जहाँ तक 20 लाख रुपए तक की थ्रेशोल्ड लिमिट की, एग्जेम्पशन लिमिट की बात की, तो ये तो एक ऐसा है कि जिसके पास GST नहीं होगा, जिसके पास GST नहीं रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो तो बिल्कुल सिस्टम से ही बाहर होने की उसकी आशंका है। आई एम अभिनव क्रेचा, वी हैव अ पोर्टल weldingwizard.com विच इज एन इंडस्ट्रियल पोर्टल। माई क्वेश्चन इज कि वी डू सर्विसेज एज वेल एज गुड्स, द क्वेश्चन कम्स इन द GST, बोथ द सर्विसेज एंड गुड्स वुड बी इंटर रिलेटेड, राइट? वी हैव टू चार्ज ओनली GST, सर्विसेज बेची चार्ज करा GST, विल डिपॉजिटेड। अब सपोज इफ आई गॉट अ डीलर इन चेन्नई, अ पार्टी रजिस्टर्ड इन चेन्नई, और ऑर्डर आया केरला से, आई कैन आई आस्क माय चेन्नई डीलर टू सेल इट टू द केरला डीलर, वेयर एज द बिलिंग वुड बी डन फ्रॉम दिल्ली? इफ यू आर इन सप्लाइंग सर्विसेज ऑन अ वेबसाइट देन यू हैव टू मैंडेटरीली रजिस्टर, एंड यू हैव टू, फॉर नाउ इट अपीयर्स दैट यू हैव टू रजिस्टर इन ऑल द स्टेट्स, या सो, and then what you have to do is it's up to you, you can bill from Delhi directly to where the place of supplies, or you can bill it from that state, but it will be beneficial to bill from that state because you will be able to take credit of SGST if you pay it. Like that will be very cumulative, ma'am, because that is Chennai dealer would be selling it to Kerala, whereas the actual billing would be done from Delhi. So you have to register in all the states basically. Do you want to add something? That's what I think कुछ clarity आप इस पर लाइए, क्योंकि otherwise तो काफ़ी working में issues आएंगे। जी आप हैं सो कि e-commerce portal आप operate कर रहे हैं, है ना? तो आप अगर e-commerce portal operate कर रहे हैं और दूसरों का सामान बेच रहे हैं, सो आप उसका जहाँ भी चाहें, जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप registration ले सकते हैं। आपके through जो भी बेचेगा वो registered होगा। आप जब बेचेंगे तो आपका सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि 1% आप टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लेंगे, जो आप सरकार को दे देंगे। बाकी जो कंप्लायंस है वो जो आपके थ्रू बेच रहा है वो करेगा। आप एक मंथ के एंड में रिटर्न फाइल करेंगे कि ये इतने आपके पोर्टल से सेल हुआ, और जो 1% जो आपने TCS दिया है टैक्स, जो 1% इज अप टू 1%, अभी वो रेट बताना पड़ेगा, हो सकता है 0.5 ही हो, 0.25 हो, वो आपको सरकारी खाते में देना होगा और आपको रिटर्न
फाइल करना होगा सकता है। ओके प्रीति, आपको लगता है जिस तरह से अब 1 जुलाई को आ रहा है, इसमें आगे चलते हुए भी चेंजेस होते रहेंगे, क्योंकि ये एक क्लासिक जीएसटी नहीं, मतलब ला रहे हैं और इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, उसमें फीडबैक मिल रहा है, वो प्रोसेसेस चलते रहेंगे और बदलाव आगे भी होंगे उसमें? देखिए, सरकार ऑलरेडी काफ़ी इवॉल्व कर रही है, तो आप देखिए चेंजेस ऑलरेडी आ रहे हैं, प्रोविजंस को चेंज किया जा रहा है, रूल्स को चेंज किया जा रहा है, तो इट विल कीप इवॉल्विंग डेफिनेटली एंड इट शुड इवॉल्व, क्योंकि नया लॉ है। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई के अगर रूल्स देखिए कि रिसिपियंट कहाँ पर है, बिल कहाँ से जनरेट हो रहा है, लोकेशन क्या है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और बहुत, फिर अगर नहीं चेंज करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे तो लिटिगेशन बढ़ जाएगा। अनिल साहब, आपकी तरफ से कुछ टिप्स हम चाहते हैं जो आज सेशन अटेंड करने आए हैं या जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सजेशन ये रहेगा कि जो जो डेट्स हैं 10, 15 और 20, उसमें आप अपने टाइम पर रिटर्न्स डालेंगे तो आपका जो रेटिंग है, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक रेटिंग का भी प्रावधान होगा, जो कि आपको आपके काउंटर पार्टी का या आपका अपना खुद का भी रेटिंग नज़र आएगा दूसरे पार्टी को। तो जहाँ आप रेगुलर हैं और जहाँ आप डिसिप्लिन हैं और हर एक एक्टिविटी टाइम पर करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं टाइम पर, आपका रेटिंग अव्वल दर्जे का रहेगा, वो आपके बिजनेस में सहूलियत देगा। तो सजेशन ये होगा, एनरोल करिए और उसके बाद डिसिप्लिन के मुताबिक और जो लॉज के प्रावधान हैं उनके मुताबिक आप कंप्लाई करिए। एक प्रावधान है जो टैक्स का और एक है एग्जम्प्टेड का, उन आइटम्स पे जो असेंशियल है या जो लाइफ सेविंग है। इससे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 8713 एक्साइज के हिसाब से इनवैलिड व्हील चेयर एग्जम्प्टेड आइटम है, इनवैलिड्स के लिए बनाई है। गवर्नमेंट की मंशा ये है कि सस्ते रेट पर मिले, लेकिन उससे क्या हुआ है कि जो इनपुट है जो कि 60% 70% होता है, उस पर तो उन्होंने टैक्स दे दिया, उसका क्रेडिट मिला नहीं, रिजल्टिंग की सारी ये इंपोर्ट हो रही है चाइना से, और जो इंडिया में बन रही थी वो सारी इंडस्ट्री वाइप आउट हो गई। देखिए, एक्सपोर्ट की आपने बात की कि उनको मिल जाता है, सो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो भी देश है वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, अपने टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए बहुत ही स्टैंडर्ड है कि जहाँ भी एक्सपोर्ट होता है, जितने भी उसमें टैक्सेस हैं, एम्बेडेड टैक्सेस हैं, उसको आपको रिफंड मिलता है। अब अगर हम ये प्रिंसिपल बिल्कुल उसी तरह से लगाएं फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज, इसका रेवेन्यू इम्प्लीकेशन बहुत हाई हो जाएगा। हर एग्जम्प्टेड गुड्स में जितने इनपुट्स हैं उसका भी अगर हम ड्यूटी रिफंड करने लगे आपको, तब तो इसका गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे बहुत ही बड़ा असर होगा। इसलिए हमने कहा है जीरो रेटिंग विल ओनली बी एक्सपोर्ट के लिए होगा। फाइनल कमेंट प्रीति, विल स्टार्ट विद यू। देखिए, मैकेनिज्म तो बहुत अच्छे हैं इनपुट क्रेडिट लेने के, तो आपको मिलना चाहिए डेफिनेटली। आई वुड से फॉर एमएसएमई एक कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक नेक्स्ट लेवल होगा, बट अब मतलब यही है, हमें अडॉप्ट करना है वो सी फॉर्म और वो पेपर डॉक्यूमेंट्स, वो सबको भूल जाना है, और अब हमें सबको ट्रेन करना है कि वो एक इंटरनेट पे काम करना या एक वेबसाइट पर काम करना वो चालू करना है। डॉक्टर कुमार, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। वेबसाइट और इंटरनेट अभी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से सिस्टम में ले आएँ। दूसरी बात यह है कि कंप्लायंसेज में सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है, ताकि जीएसटी को बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसी की उम्मीद है, इम्प्लीमेंट किया जा सके। कमिश्नर सर, आप बता सकें, समय सीमित है, आपको लगता है और अवेयरनेस कैंपेन्स की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, अभी हम लोग काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और इसको बढ़ाया जा रहा है पूरे देश में, सब जगह स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशंस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच कर सकें, छोटे छोटे शहरों में भी जाके वो ऐसे प्रोग्राम करें जीएसटी रिलेटेड। सो हम लोगों की पूरी तैयारी और प्रक्रिया यही है कि जितना हो सके हम लोगों को बताएं जीएसटी के बारे में और जो आशंकाएं उसको दूर कर सकें। कर्नल साहब, लास्ट वर्ड प्लीज। जी, जैसे हमने बोला, हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, इसकी बीटा टेस्टिंग। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, तो हमने 2000 मास्टर्स ट्रेनर्स ट्रेन कर दिए हैं और वो जाके अपने स्टेट्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद मई में यही ट्रेनर्स को हमने ये सोचा है कि ये ट्रेड और इंडस्ट्री की भी ट्रेनिंग करेंगे। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आप सबका भी धन्यवाद। तो ये था जीएसटी चौपाल का डेली राउंड। जीएसटी पर आगे भी जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आने वाले दिनों में हम कई और शहर और क्लस्टर्स का रुख करेंगे ताकि इस बड़े बदलाव जीएसटी के लिए आप रेडी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।